हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी आर रन ऑफ। ठीक है, तो इसका आज हम पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है? ठीक है, तो सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी या रन ऑफ, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी या इसको हम रन ऑफ भी बोलते हैं। तो अब रन ऑफ होता क्या हमारे पास? ठीक है, रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ डिवाइडेड बाय रेनफॉल इक्वल टू रन ऑफ कोएफिशिएंट। अगर हमने रन ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, रन ऑफ कोएफिशिएंट की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है रन ऑफ बाय रेनफॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हमें रन ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है। हमारे पास रन ऑफ भी दिया होगा और रेनफॉल भी दी होगी। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं रन ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला है, ये आप देख सकते हैं। रन ऑफ में बी रेफर टू एज स्ट्रीम फ्लो, रिवर डिस्चार्ज और कैचमेंट यील्ड, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रन ऑफ का मतलब होता है जैसे कि स्ट्रीम में जो फ्लो करता है वो भी रन ऑफ है। ठीक है, उसके बाद रिवर डिस्चार्ज, ठीक है, रिवर में जो डिस्चार्ज होता है, रिवर से जो डिस्चार्ज होता है वो भी रन ऑफ में आ जाता है। कैचमेंट यील्ड, ठीक है, तो ये सारे रन ऑफ में आते हैं। मतलब जो सरफेस के ऊपर से जो पानी बहता है उसे हम रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के इसमें एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कितनी वॉल्यूम कितने टाइम में हमारे पास मूव कर रही है वो हमारे पास हो जाता है रन ऑफ। ठीक है, ट्रू रन ऑफ इज द रन ऑफ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, एक हमारे पास सिंपली रन ऑफ के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इसमें ट्रू रन ऑफ। ट्रू रन ऑफ क्या होता है? ट्रू रन ऑफ होता है एक ऐसा रन ऑफ, एक ऐसा वाटर का फ्लो जो सरफेस पे चलता है, जो वाटर उसका फ्लो जो ह्यूमन की इंटरवेंशन के बगैर हो। ठीक है, मतलब ह्यूमन उसमें कोई भी पार्टिसिपेट ना करे, जो भी बारिश आए वो पानी जमीन के ऊपर ऊपर से चले, उसको हम बोलते हैं ट्रू रन ऑफ। ठीक है, ट्रू रन ऑफ इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल फ्लो। ठीक है, इसको हम नेचुरल फ्लो भी बोलते हैं। ट्रू रन ऑफ को हम नेचुरल फ्लो भी बोलते हैं या फिर हम इसको विर्जिन फ्लो भी बोलते हैं, विर्जिन फ्लो। ठीक है, ड्यू टू स्टोरेज और डाइवर्जन वर्क्स स्ट्रीम फ्लो ऑब्जर्व विल बिकम डिफरेंट। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक ट्रू फ्लो हो गया, या फिर इसको नेचुरल फ्लो भी बोलते हैं या फिर विर्जिन फ्लो भी बोलते हैं। मतलब सिंपली पानी आया ऊपर से, रेन वाटर ऊपर से आया। ठीक है, यहाँ पे जमीन है, यहाँ से पानी जो फ्लो करने लग गया जमीन पे, ये हो गया हमारे पास ट्रू रन ऑफ सिंपली। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा, कभी कभी हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू द स्टोरेज और डाइवर्जन वर्क। ठीक है, किसी किसी जगह पे हम स्टोरेज वर्क्स हम करते हैं, डाइवर्जन वर्क्स हम यूज करते हैं, मतलब कोई चीज डाइवर्ट करने के लिए। स्ट्रीम फ्लो ऑब्जर्व विल बिकम डिफरेंट, तो जो स्ट्रीम फ्लो जो हमारे पास होता है वो कुछ डिफरेंट हमारे पास हो जाता है इसमें। हेंस द नेचुरल फ्लो इक्वल टू, हेंस हम बात करें जो नेचुरल फ्लो है, नेचुरल फ्लो को हम ट्रू रन ऑफ भी बोलते हैं या फिर विर्जिन फ्लो भी बोलते हैं। तो नेचुरल फ्लो किसके बराबर हमारे पास होता है? नेचुरल फ्लो, अगर हम बात करें नेचुरल फ्लो की, नेचुरल फ्लो को हम ट्रू रन ऑफ भी बोलते हैं या फिर विर्जिन फ्लो भी बोलते हैं। तो ये किसके बराबर हमारे पास होता है? ऑब्जर्व फ्लो के बराबर। ऑब्जर्व फ्लो माइनस रिटर्न फ्लो प्लस डाइवर्टेड फ्लो प्लस इवेपोरेशन लॉस फ्रॉम स्टोरेज, इवेपोरेशन लॉस फ्रॉम स्टोरेज रिजर्वायर on the stream plus net export of water from the basin plus change in storage
इन द स्टोरेज रेजरवायर, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास आ जाता है नेचुरल फ्लो में, ठीक है। तो यहां से मैं आपको समझा देता हूँ नेचुरल फ्लो क्या होता है। नेचुरल फ्लो इक्वल टू ऑब्जर्व फ्लो, ठीक है। जो हम फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं वो, मतलब ऑब्जर्व फ्लो मतलब पूरा जो हमने ऑब्जर्व किया कितना फ्लो ये हमारे पास फ्लो कर रहा है, इसमें से माइनस करना है हमने रिटर्न फ्लो, मतलब जो रिटर्न हो रहा है उस फ्लो को हमने इसमें नहीं इसमें ऐड नहीं करना है। प्लस डाइवर्टेड फ्लो, जो भी फ्लो हम डाइवर्ट करते हैं वो भी हमारे पास इसमें ऐड होता है नेचुरल फ्लो में। प्लस इवेपोरेशन लॉस फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर, जो भी इवेपोरेशन लॉस होता है वो भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। प्लस नेट एक्सपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द बेसिन, ठीक है, जो हम पानी बेसिन से एक्सपोर्ट करते हैं वो भी इसमें आ जाता है नेचुरल फ्लो में। प्लस चेंज इन स्टोरेज इन द स्टोरेज रिजर्वायर, ठीक है, जो चेंज होती है स्टोरेज रिजर्वायर में और वो भी इसी के अंदर हमारे पास आ जाती है। तो हमारे पास अगर कोई पूछेगा नेचुरल फ्लो क्या होता है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं, उसके बाद नेचुरल फ्लो इक्वल टू ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, हेयर द रिटर्न फ्लो इज द फ्लो एडिंग टू द स्ट्रीम ड्यू टू डाइवर्टेड वाटर अनयूटिलाइज्ड एंड रिटर्न बैक टू द कैचमेंट, ठीक है। रिटर्न फ्लो क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, रिटर्न फ्लो इज अ फ्लो एडिंग टू द स्ट्रीम ड्यू टू डाइवर्टेड वाटर, ठीक है, मतलब एक ऐसा फ्लो जो एड होता है स्ट्रीम में डाइवर्टेड वाटर की वजह से, ठीक है। एडिंग टू द स्ट्रीम ड्यू टू डाइवर्टेड वाटर अनयूटिलाइज्ड एंड रिटर्न बैक टू द कैचमेंट, ठीक है, मतलब अनयूटिलाइज्ड वाटर ये होता है जो दोबारा से कैचमेंट में चले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें है, बेस्ड ऑन द टाइम डिले बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, रन ऑफ इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो रन ऑफ की दो कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है रन ऑफ को। एक हमारे पास है डायरेक्ट रन ऑफ और दूसरा हमारे पास है बेस फ्लो, ठीक है। तो हम इसको वन बाई वन डिफाइन करेंगे कि डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है और बेस फ्लो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, इट इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ विच एंटर्स द स्ट्रीम इमिजिएटली आफ्टर द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। डायरेक्ट रन ऑफ हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है रन ऑफ का, एक ऐसा पार्ट रन ऑफ का विच एंटर्स द स्ट्रीम इमिजिएटली आफ्टर द प्रेसिपिटेशन। जैसे ही प्रेसिपिटेशन होती है तो वो इमिजिएटली जो रन ऑफ हमारे पास एंटर करता है स्ट्रीम में, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। इट इंक्लूड्स सरफेस रन ऑफ, इसमें सरफेस रन ऑफ हमारे पास आ जाता है। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो आ जाता है, प्रेसिपिटेशन ऑन द चैनल सरफेस आ जाता है, तो ये सारी इसके अंदर आ जाती है डायरेक्ट फ्लो, डायरेक्ट रन ऑफ के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब सिंपली जहाँ पे बता दिया मैंने कि जैसे कि ऊपर से बारिश का पानी आया तो वो सीधा स्ट्रीम में चला गया, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट रन ऑफ बोलते हैं। इट इज समटाइम्स टर्म्ड एज डायरेक्ट रन ऑफ और स्टॉर्म रन ऑफ, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट रन ऑफ भी बोल सकते हैं या फिर स्टॉर्म रन ऑफ भी बोल सकते हैं, STORM स्टॉर्म रन ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसमें वो है सरफेस रन ऑफ, ठीक है। हमने देखा था डायरेक्ट रन ऑफ हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सरफेस रन ऑफ के बारे में, सरफेस रन ऑफ क्या होता है। इट हैज़ टू कैटेगरीज, ठीक है, इसकी दो कैटेगरीज हैं सरफेस रन ऑफ की। फर्स्ट हमारे पास है ओवरलैंड फ्लो, दूसरा हमारे पास ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। ओवरलैंड फ्लो, ओवरलैंड फ्लो दैट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर ओवरलैंड बिफोर ज्वाइनिंग एनी ओपन चैनल, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा फ्लो होता है वाटर का बिफोर फ्लो ऑफ वाटर ओवरलैंड बिफोर ज्वाइनिंग एनी ओपन चैनल, मतलब ओवरलैंड ये फ्लो करता है। तो हम नीचे इसका देखेंगे कि ये क्या होता है, मतलब किसी ओपन चैनल में जाने से पहले वो किसी के साथ मिक्स हो जाता है। देन ओपन चैनल फ्लो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो
तो हमारे पास यहाँ पे ओवरलैंड फ्लो, ओवरलैंड फ्लोज आर स्मॉल एंड द फ्लो इज टेकन टू बी एज लामिनर रिजीम। ठीक है, तो ओवरलैंड फ्लो जो होता है उसको हम लामिनर फ्लो रिजीम में ले लेते हैं। लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो इज जनरली स्मॉल, जो लेंथ होती है ओवरलैंड फ्लो की वो बहुत स्मॉल होती है। बात करें हम ओपन चैनल फ्लो की, ओपन चैनल फ्लो आर इन टर्बुलेंट रिजीम, तो टर्बुलेंट रिजीम में आ जाते हैं ये ओपन चैनल फ्लो, और जो ओवरलैंड फ्लो है वो आ जाता है लामिनर रिजीम में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है इंटर फ्लो। ठीक है, इंटर फ्लो, अब इंटर फ्लो क्या होता है हम देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था इसमें इंटर फ्लो। इंटर फ्लो क्या होता है? वाटर विच इन्फिल्ट्रेट्स द साइल सरफेस एंड देन मूव्स लेटरली थ्रू द अपर साइल हॉरिजन टवर्ड्स द स्ट्रीम चैनल्स अबोव द मेन ग्राउंड वाटर टेबल इज नोन एज द इंटर फ्लो। ठीक है, इंटर फ्लो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास यहाँ से ऊपर से रेन वाटर आ रहा है। ठीक है, रेन वाटर यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये मान लो ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस में यहाँ तक हमारे पास जो है ग्राउंड वाटर टेबल है, ये हमारे पास है, ये ग्राउंड वाटर सरफेस है, ये है ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, यहाँ तक ग्राउंड वाटर टेबल है, दैट मीन्स इसके नीचे सारा पानी ही है। ठीक है, तो उसके बाद जो इंटर फ्लो है वो क्या फ्लो होता है, जैसे कि मान लो ये पानी नीचे आया, तो ये ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर ऊपर से ही ये जो पानी आया यहाँ आया, और यहाँ से ये आगे आगे चलता गया, इस जोन में आगे आगे चलता गया और ये चला गया मेन चैनल्स में। ठीक है, तो ये जो पानी है इसको ही हम बोलते हैं, ये जो फ्लो कर रहा है इसको हम बोलते हैं इंटर फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, वाटर विच इन्फिल्ट्रेट्स द साइल, मतलब साइल के अंदर चला जाता है, एंड देन मूव्स लेटरली, लेटरली मूव करता है थ्रू द अपर साइल, जो ये अपर साइल है उसके थ्रू मूव करता है, हॉरिजन टवर्ड्स द स्ट्रीम चैनल्स अबोव द मेन ग्राउंड वाटर। ठीक है, अबोव द मेन ग्राउंड वाटर, ये मेन ग्राउंड वाटर टेबल है, इसके अबोव ये फ्लो करता है एज द इंटर फ्लो। इट इज ऑल्सो नोन एज सब सरफेस रन ऑफ। ठीक है, तो इसको हम सब सरफेस रन ऑफ भी बोलते हैं, जो हमारे पास इंटर फ्लो है इसको हम सब सरफेस रन ऑफ भी बोलते हैं, सब सरफेस स्टॉर्म फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम दूसरा भी हम बोल सकते हैं, सब सरफेस स्टॉर्म फ्लो, देन स्टॉर्म सीपेज भी इसको हम बोल सकते हैं, देन एंड इसको हम सेकेंडरी बेस फ्लो भी बोल सकते हैं। तो ये सारे नाम इसको हम बोल सकते हैं, इंटर फ्लो को हम सरफेस रन अप बोल सकते हैं, सब सरफेस स्टॉर्म फ्लो भी बोल सकते हैं, स्टॉर्म सीपेज भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंडरी बेस फ्लो भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।